दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है। इसके लिए आपको आपके गूगल में टाइप करना है www.uidai.gov.in। इतना टाइप करने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा। ये पेज पर आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक न्यू पेज ओपन होगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन आपको इसमें डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। जब डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए आपको आपका आधार नंबर चाहिए। लॉगिन करने के लिए आप अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए। आधार नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। अपने जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक करा है उस पर ही OTP मिलेगा। जब OTP एंटर करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा, आपको इसमें डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी पूरी डिटेल्स दिखाई देगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आप वेरीफाई करेंगे, चेक कर लें कि सारी डिटेल्स आपकी ही है। यहाँ पर आपको एक नीचे का ऑप्शन भी दिख रहा है, मास्क आधार। ओके, अगर आप मास्क आधार चाहते हैं तो आपको उसे क्लिक करना है। दोस्तों, मास्क आधार क्या होता है? किसी को आधार कार्ड की कॉपी सेंड करते हैं तो वहाँ पर आपका आधार नंबर हाइड करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यूज़ करें। आपको इसमें डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। अब पासवर्ड आपको क्या एंटर करना है जिससे आपका ये PDF आधार कार्ड ओपन हो जाए? तो पासवर्ड का जो फॉर्मेट है वो आपके नेम का फर्स्ट 4 लेटर और आपका ईयर ऑफ बर्थ फुल फॉर्मेट में, यानी कि YY फॉर्मेट में आपको एंटर करना है। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपका ये जो PDF फॉर्मेट में आधार कार्ड ही है आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है और आप इसकी कॉपी आप प्रिंट भी ले सकते हैं, आप सेव करके भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। शुक्रिया दोस्तों।